है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा का ज्वाला। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, कई बार टीवी चैनल में भी देखा होगा या न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानव द भलाई के कार्य करते रहते हैं। और जैसा कि डेरा सच्चा सौदा ने मुहिम चलाई हुई है 134 मानव द भलाई के कार्यों की, तो दोस्तों उसी को लेकर आज की यह खबर है। आपको बता दें, कल 25 मई 2019 को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जो कि देश विदेशों में रहते हैं उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी रहते हैं उन्होंने पिछले 6 वर्षों में 80,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए कि वहाँ की सरकार ने उनको सम्मानित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने जहाँ 6 साल में 80,000 से ऊपर पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वहीं बीते वर्ष में उन्होंने 1 साल में ही 8,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसका कि प्रशंसा पत्र भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, यह प्रशंसा पत्र और जो सम्मानित किए गए हैं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का भी धन्यवाद किया, और वहाँ पर जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद किया। आपको बता दें दोस्तों कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब विदेशों में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को सम्मानित किया गया। इससे पहले भी बहुत से देशों की सरकारें डेरा सच्चा सौदा को सम्मानित कर चुकी है, जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मानवता भलाई के कार्य करते हैं इतने, उनको लेकर विदेशों में भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की चर्चा रहती है। आपको बता दें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से पहले भी कनाडा, इटली, जर्मनी, अमेरिका ऐसे देशों में भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जो मानवता भलाई के कार्य करते हैं उनके लिए सम्मानित हो चुके हैं। वो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, या फिर सफाई अभियान करना हो, या फिर पौधारोपण करना हो, ऐसे ऐसे मानवता भलाई के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा करता है उसके लिए वह अक्सर सुर्खियों में रहता है। आपको बता दें कि दोस्तों, शायद ही किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा हो, लेकिन यह सच्चाई है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को इसके लिए सम्मानित किया कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी यह मानवता भलाई का कार्य कर रहे हैं। और वैसे तो दोस्तों देखा जाए, अपनों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तो सभी कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों डेरा सच्चा सौदा ही विश्व की मात्र एक ऐसी संस्था है जिसके कि करोड़ों अनुयायी है, और जो कि अपने घर परिवार के साथ साथ हमारे देश व समाज के लिए भी सोचते हैं और हमारी सृष्टि के लिए भी मानवता भलाई के कार्य करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। आप सबसे निवेदन है, कृपया करके आप भी हमारा सहयोग करते रहिए। हम आपके सहयोग से सच की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। आप देख रहे हैं सच की आवाज़। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज़ को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।